हम लोगों ने लगभग 55,000 से ज़्यादा कंप्लेंट रिजॉल्व की। जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत थी वो रिसोर्सेज हम लोगों ने दी, और एक ही पर्पज़ था कि 15 सालों में जो दिल्ली बहुत ज़्यादा गंदी की गई हमारे प्रीवियस सरकारों के द्वारा, अब पर्पज़ ये था दिल्ली को पूरी तरह से साफ किया जाए। और उसको लेकर आज से हम लोग जो कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं वो कैंपेन है कि अब दिल्ली रखनी है साफ, जिसके तहत लगभग 50 दिनों तक ये कैंपेन चलेगा, जिसके नेतृत्व हमारी मेयर साहिबा, हमारे डिप्टी मेयर, हमारे लीडर ऑफ हाउस और जो हमारे आला अधिकारी हैं वो लोग कर रहे हैं। और इसके तहत हम लोग लगभग 25 से 30 किलोमीटर रोड्स का, गलियों का, कॉलोनीज का, 3 से 4 वार्ड का डेली निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। जहाँ भी लोग बता रहे हैं कि नहीं यहाँ पे गंदगी रहती है या हमारे आने के बाद उन्होंने साफ कर दिया, उन सारी चीज़ों को दुरुस्त कर रहे हैं। अब बेसिकली ग्राउंड पर उतरकर अगले 50 दिनों तक कंटिन्यूसली 5 से 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हम लोग खुद भी चल रहे हैं और 20 से 25 किलोमीटर का डेली निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, हमने घोषणा करी थी कुछ दिन पहले कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने जो सफाई अभियान की शुरुआत करी थी, अब दिल्ली होगी साफ। पर जैसे दुर्गेश जी ने कहा, दिल्ली होगी साफ नहीं, अब दिल्ली हो रही है साफ। और आज हमने इस कैंपेन को शुरू किया है, और आज हमारे दिल्ली का सबसे क्रूशल एरिया जो चांदनी चौक विधानसभा है, हमने वहां से शुरुआत करी है। हमेशा से जनता की यहां पर परेशानी रही है साफ सफाई को लेकर, और अब हम एक एक यहां पे पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और अगर किसी तरह की भी कोई हमारी कंप्लेंट मिलती है तो हम उसको ऑन द स्पॉट और सेम डे रिसॉल्व करेंगे। और आज हमारे साथ यहाँ के जो विधायक हैं साहनी जी, यहाँ के जो हमारे पार्षद हैं पुनर्दीप साहनी जी, हमारे सादिक जो पार्षद हैं दुर्गेश पाठक जी, एमसीडी प्रभारी, हम सब ग्राउंड जीरो पर जाकर इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। और आने वाले मार्च के पहले हफ्ते तक ये पूरा अभियान चलेगा। जो वादा हमने किया है दिल्ली की जनता को, पूरी दिल्ली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का, तो आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। और दिल्ली की जनता से मैं फिर से दरख्वास्त कर रही हूँ एक बार दोबारा कि हम लोग ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं और अब दिल्ली रखनी है साफ। ये जनता की भी जिम्मेदारी होगी, हमारी तो है ही, अधिकारियों की भी है। अब जनता का साथ एक बार फिर से दोबारा चाहिए ताकि दिल्ली को हम ऐसा साफ सुथरा बना सकें जो हम बाहर के देशों से दिल्ली को कंपेयर करते हैं।